तो सर क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, है ना? हाँ सर। बाकी सब ठीक था, बाकी सब ठीक था, लेकिन ये जो ये साइड में जो आपने खड़ा किया है फर्नीचर, इसने बहुत ही गंदा नाचा लगा कि सर ये लांडे परिवार में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं? ये लांडे परिवार में हमें कब मौका मिलेगा अपनी शेरवानी सिलवाने का? तुम्हारी जॉब जानी है राघव। सर अब मैं बचपन में मार खाता था, अब अपना उम्र बड़ा हो गया आपका बच्चा, सर आप क्या मारोगे? कब मौका मिलेगा घोड़े के नीचे ऐसे करके डांस करने का, पैसे उड़ाने का, वो सर उड़ाने का? नहीं नहीं सर वो टाइम है सर, हम दोनों का घर का लोग क्या बताओ, पहले ये मार तब ये मार रहे हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गया। आगे खड़े रहो। कौन चालू है भाई? उसके बाद पहले सब वो सब चीजें हो जाए, उसके बाद वो जो फार्म ले लिया आपने वो अपनी सब वहाँ घोड़े वोड़े रखोगे। सॉरी बोलो, किसको बोलो जल्दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना सर। कर दूं? दांत अपने साफ कर देना। मुझे मालिया के साथ मीटिंग है हमारी वो। अरे ऐसा नहीं, पर यही है कि पहले सब सेट हो जाए उसके बाद, क्योंकि बहुत खर्चा करना है शादी में, इसलिए पैसा इससे ज़्यादा साफ नहीं होते। प्रोडक्शन से मुझे ये पूछना है राघव, थोड़ा शादी बड़ी होने वाली, मतलब मैं इतना खर्चा करूंगा शादी में लेकिन एकदम पहाड़ की चोटी पे रखूंगा। के पेचेक से कुछ पैसा ऑडियंस को जा रहा है क्या? एवरी टाइम ऑडियंस इज ओनली चीयरिंग राघव, नॉट मी वन। अबे तू यार, क्या आएंगे नहीं आएंगे, खाने का भी बिल बचेगा, सब हो जाएगा। खर्चा करके फायदा क्या फिर, है ना शक्ति? मुझे पता है मेरा नाम राघव है। सर वो पिछले कितने सीजन होस्ट कर रहा है, ये मैं पहली टाइम होस्ट कर रही हूँ। अगले एपिसोड क्या चाहिए राग तुम्हें? शादी। राघव should support her. Yeah, instead of, इसीलिए मैं बोलती हूँ you don't know how to behave. मैं काम करो, हमका मार दो। Mr. Raghav, you're a guest. Please, but behave like one. Sorry, sorry. Behave like one. Yes, yes. Mr. Dhamesh. Yes. लो हमरा जान लो, ये लो मार दो हमका। कितना प्यार, इतना प्यार. इतना प्यार मारता। You also guess, behave like one. Okay sir. अभी वो ऐसे लग रहा है एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में आ रहे हैं हम। A wing, B wing. अरे पीछे पड़ गए सब मेरे। अरे मेरे को जो बोला जा रहा है वो कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। ऐसी वाहियात बातें मत करो। आगे बढ़ो। Mr. Juyal, first of all, मैं बोलना चाहूँगा बैट सालसा के लिए। बोलिए। का दिल, राघव जुयाल। So welcome to, oh sorry, मैं तो guest हूँ आज। ये guest है? खबरदार अगर तूने welcome या कुछ भी बोला। बैट सालसा, तुम्हें एक चीज बताऊँगा, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं बाहर जाके, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, करोड़ों रुपए खर्च करते कितने शानदार लग रहे ना। हम लोग वही बात कर रहे थे हम दोनों कि यार जब तुमने एंट्री मारी तुम लोग पांच, यू नो योर लुक नॉट लाइक डांसर, वो एड्रेनल पाने के लिए तुम लोग ना वो हमें लाखों करोड़ों की चीज बैठे बैठे दे देते हो यहाँ पर यार, गजब। You look like stars. Yeah. और guys हम लोगों को stars बनाने का सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का। सही मायने में I feel 3 पीढ़ी जो डांस की है ना यहाँ पे है। ओके, मस्त है, वेरी गुड। फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन। वेरी गुड। हाँ प्लीज कम इन टू पीयूष। पीयूष मेरे भाई सबको देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप पांचों को कैसा लग रहा है सॉर्ट ऑफ होमकमिंग? आई थिंक डांस चैंपियंस इज क्लियरली द मदर ऑफ ऑल शोज। इससे मैं जब भी कभी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, ट्रैकिंग पे जाता हूँ सर, मैं जब भी सर ऊपर पहुँचते हैं तो हमारे पास पानी का पानी खत्म हो जाता है, तो उस वक्त ना सर आपको अगर कोई कोल्ड ड्रिंक दे, बड़ा कोई शो था ही नहीं कि जहाँ पे सारे रियलिटी शोज के चैंपियंस चैलेंजर्स एक ही मंच पे आके कम्पीट कर रहे हैं। टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टुडे मुझे चाहे आपको मिला के शरबत दे, आपको प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन जो पानी से प्यास बुझती है और उसकी तृप्ति जो मिलती है ना सर, वो ये बंदा देता है तृप्ति। बहुत अच्छा लग रहा है एंड सीरियसली तुम्हारे सामने परफॉर्म करने में भी बहुत डर लगता है, सो आई थिंक आवर डांसिंग डेज आर ओवर, थैंक्स टू यू गाइज।